हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस वीडियो के जरिए मैं आपके तीन सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल है कि फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी, दूसरा सवाल है कि एम्बेसीज कब खुलेंगी, और तीसरा सवाल है कि हम वीज़ा के लिए कब अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, जहां तक बात है फ़्लाइट शुरू होने की, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू हो सकती हैं। एक बहुत ही बड़ी एयरलाइंस कंपनी है वर्जिन अटलांटिक, जिसने अनाउंस किया है कि वो सितंबर 1 से अपनी दिल्ली से लंदन फ़्लाइट और मुंबई से लंदन फ़्लाइट को रिज्यूम कर रही है। अब जो वर्जिन अटलांटिक है वो बहुत ही मेजर एयरलाइंस है और काफ़ी इंडियंस इसे यूज़ करते हैं, खासकर यूएस ट्रैवल करने के लिए। तो ये यूएस ट्रैवल करती है और लंदन जो है ये इसका मेन हब है। अब दूसरी बात है एम्बेसीज के खुलने की। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है यानी विदेश मंत्रालय भारत सरकार का, उसने जो डिप्लोमेटिक मिशन्स हैं, एम्बेसीज हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो एम्बेसीज को खोलें और वीज़ा ऑपरेशंस शुरू किए जाएं। अब और देशों में वीज़ा ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं, जैसे अभी मंडे को यानी 22 जून को मेरे क्लाइंट हैं सिंगापुर में, जिन्होंने अपने हंगरी के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। तो भारत के अलावा कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पे एम्बेसीज़ ने वीज़ाज इशू करने शुरू कर दिए हैं, जैसे VFS जो है कनाडा का दुबई में, वो भी खुल चुका है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में एम्बेसीज़ खुल सकती हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना कि टूरिस्ट वीज़ाज इशू किए जाएंगे या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ की इस समय प्रायोरिटी शायद टूरिज़्म ना हो। सबसे पहली प्रायोरिटी वर्क वीज़ा होगा, तो वो ऐसे लोगों को वापस बुलाना चाहेंगे जो वर्क कर रहे हैं। दूसरा है ऐसे स्टूडेंट्स जो उस देश में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, शायद टूरिज़्म ज़्यादातर देशों की लास्ट प्रायोरिटी होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक अनुमान है और इस समय हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि वीज़ाज मिलने शुरू हो जाएंगे, फ़्लाइट्स चालू हो जाएंगी और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।